watching Rathod. Welcome back to Fly Rajput Engineering. Automotive technologies की हम बात कर रहे हैं. Last series में मैंने बताया था कि automotive battery क्या होती है, उस पे 8 lectures मैंने लिए थे. अब automotive technologies के अंदर एक नई series में start कर रहा हूँ, जिसका नाम है steering angles and driving dynamics. इस series में हम बात करेंगे different steering angles की, उनके driving dynamics क्या होता है और driving dynamics पे उनके क्या effect होते हैं. ये सारी चीजें मैं इस series में आपको बताने वाला हूँ. तो channel को subscribe कर लीजिए और बने रहिए इस पूरी series में मेरे साथ. आज हम पहला lecture start कर रहे हैं steering angles से, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हीकल डायनामिक्स एंड व्हाट डिफरेंट एंगल्स लाइक टो, कैस्टर, कैम्बर आर. सो फर्स्ट इज टो. आपने जनरली ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे, टो, कैस्टर, कैम्बर, किंग पिन इंक्लिनेशन, स्कर्व रेडियस. इनका मतलब क्या होता है, उन्हें कैसे समझा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है टो कैस्टर कैम्बर के बीच में कि कौन सा एंगल कहाँ से देखा जाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि कोई भी एंगल जब आप देख रहे हो तो ये ध्यान रखें कि कौन सा एंगल कहां से देखा जाता है. अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. तो यही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं. फर्स्ट बात करते हैं टो की. तो टो की डेफिनेशन क्या होती है. द एंगल ऑफ ईच व्हील रिलेटिव टू द सेंटर लाइन ऑफ द व्हीकल व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव. देखिए इसको ब्रेक करते हैं. द एंगल ऑफ ईच व्हील मतलब हर व्हील का एंगल होता है रिलेटिव टू द सेंटर लाइन ऑफ द व्हीकल. व्हीकल की सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में इस एंगल को देखा जाता है, मेजर किया जाता है व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव, जब हम ऊपर से देख रहे हैं. मैं आपको व्हील के थ्रू इसको एक्चुअल में समझाता हूं. ओके ठीक है. तो मेरे पास ये दो व्हील्स हैं. सबसे पहले तो मान लो मेरी जो व्हीकल है सामने की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा फॉरवर्ड. ठीक है, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है, आपकी तरफ आ रहा हूं, तो गाड़ी की डायरेक्शन ये होगी. इस डायरेक्शन में जब मैं इस गाड़ी को देख रहा हूं तो एक व्हील यहां पर है, एक व्हील यहां पर है, और ये गाड़ी की सेंटर लाइन हो गई. सेंटर लाइन, एक व्हील यहां, एक व्हील यहां. तो इनका जो ये वाला एंगल है ना, ये सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में, ये देखो ये जो एंगल है कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगा. ये जो एंगल है इसको हम टो बोलते हैं, टो इन टो आउट, व्हील समझते हैं. ओके ये दो व्हील है, ठीक है, ये देखिए अभी, हाँ अब सेंटर में, ठीक है. अब ये हो गया टो इन, ये हो गया टो आउट. तो जब आप इसको अबव देखेंगे, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, आप इमेजिन करो कि आप गाड़ी को ऊपर से देख रहे हो, ठीक है. अब ये आपको यहाँ पर भी दिखेगा, ये अभी भी प्रॉब्ली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है. तो ये व्हीकल है, व्हीकल को मैं मान लो अबव से ऐसा देख रहा हूँ, तो जब एंगल मुझे ऐसा दिखेगा, मान लो मैंने ये गाड़ी खरीदी, उसको ऐसे आड़ा कर दिया, ठीक है. अब आप इसको ऊपर से देख रहे हो, ये दोनों व्हील लगे हुए हैं, ये गाड़ी की सेंटर लाइन है. इन व्हील का जो ये वाला एंगल है ये होता है टो, टो इन टो आउट. इन आउट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, मैं नेक्स्ट आगे वाली आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ इनकी डेफिनेशन और इनके बीच जो कंफ्यूजन होता है वो क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं. सेकंड कैम्बर, यहां से भी समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू भी. ये लाइन हो गई, ये अपना टो इन आउट. नेक्स्ट कैम्बर, द एंगल और इंक्लिनेशन ऑफ द व्हील फ्रॉम वर्टिकल व्हेन व्यूड फ्रॉम फ्रंट. अभी हम ऊपर से देख रहे थे, क्या देख रहे थे, टो. जब हम फ्रंट से देख रहे हैं, सामने से, हम क्या देख रहे हैं, कैम्बर. कैम्बर क्या होता है, कैम्बर वो एंगल होता है जो वर्टिकल के साथ व्हील बनाता है. मान लो ये व्हील है, ठीक है, अब आप सामने से देख रहे हो, हाँ ये आपके सामने है, और ये इसका वर्टिकल होगा. इस वर्टिकल के रिस्पेक्ट में ये कितना ऐसा और ऐसा है, ये वाला, ये जो एंगल है ना, ये आपका होता है क्या, कैम्बर. आपने नोटिस किया होगा ये जो लोडिंग रिक्शाज होते हैं, इनके व्हील्स हमेशा देखते हैं, जब आप सामने से देखते हो तो आपको ऐसे दिखेंगे, या पीछे से आप कभी उनके पीछे चल रहे हो तो वो ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं. उसका कैम्बर बाहर की साइड होता है, पॉजिटिव कैम्बर होता है. वो इसलिए होता है कि जब गाड़ी में लोड नहीं है, लोडिंग रिक्शा में, तब वो ऐसे रहें, और सस्पेंशन के कारण जब लोड उसमें डालेंगे तो वो सीधे हो जाएंगे. जब सीधे हो जाएंगे तो उनका कॉन्टेक्ट जमीन के रिस्पेक्ट में सही होगा और टायर ज्यादा घिसाएंगे नहीं, ठीक है. सिंपल सा लॉजिक है. तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि कैम्बर कैसा होता है. कैम्बर जब आप सामने से देख रहे हैं तो व्हील का ये वाला जो है ना, ये वाला, ये होता है कैम्बर. ये जो होता है टो, समझ आया, देखना ये हो गया कैम्बर, ये हो गया टो, है ना. टो को आप सामने से देखोगे ऐसे करके, टो को ऊपर से देखोगे, अभी ऊपर से देखोगे, ये सामने से भी देखोगे तो वो समझ आता है. समझने के लिए आप सामने से भी देख सकते हो, लेकिन फॉर द स्पेसिफिक डेफिनेशन इट इज व्यूड फ्रॉम द अबव, ठीक है. सामने से देखोगे तो आपको ऐसा ऐसा दिखेगा, ऊपर से भी देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है.
ओके ये हो गया आपका कैम्बर, ये हो गया आपका टो। बात करते हैं कैस्टर की। अभी कंफ्यूजन होता है, द एंगल और इंक्लिनेशन ऑफ द व्हील फ्रॉम वर्टिकल व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड। टो जो था वो एंगल था किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर लाइन ऑफ द व्हीकल के रिस्पेक्ट में। कैम्बर जो है वो वर्टिकल के रिस्पेक्ट में है व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट। कैस्टर जो है वो भी वर्टिकल के रिस्पेक्ट में है बट व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड, इसको साइड से देखा जाता है। यहाँ कंफ्यूजन होता है। अब आप इसको ऐसे देखोगे, ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको एंगल है ना ऐसा ऐसे घूमते हुए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कैस्टर एंगल होता है विद रिस्पेक्ट टू सस्पेंशन। सस्पेंशन से आपको ये समझ आएगा, ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ की जगह देखो, ये व्हील है अपना, ये इसका वर्टिकल हो गया, और ये जो सस्पेंशन जहां पर लगा है, मान लो ऐसे बता रहा हूँ, मेरे हाथ को सस्पेंशन मान लो, ये सस्पेंशन है इस व्हील में लगा हुआ है। आपने कभी भी किसी गाड़ी का सस्पेंशन ऐसे स्ट्रेट लगा हुआ नहीं देखा होगा, सस्पेंशन हमेशा ऐसे ही लगा होता है, बम्प आता है तो ऐसे ऐसे चलता है। तो वो जो सस्पेंशन का एंगल होता है ना, ये वाला, यही होता है आपका कैस्टर एंगल। और कैस्टर आपने सभी गाड़ियों में देखा हुआ ऐसा होता है, किसी गाड़ी में ऐसा देखा नहीं, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कैस्टर। कैस्टर देखा जाता है साइड से, और कैस्टर में क्या होगा, जब कैस्टर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो व्हील ऐसा मूव करेगा, ऐसा, क्योंकि ये सस्पेंशन के, यहाँ सस्पेंशन जुड़ा हुआ है आपकी गाड़ी का, ये आपका हो गया कैस्टर। कैस्टर समझ आया, कैम्बर समझ आया, टो समझ आया, ओके। बात करते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन की। डोंट वरी, अगर आपको अभी पूरा क्लियर नहीं हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इंडिविजुअली एक एक एंगल को। अभी कंपैरिजन है कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके इफेक्ट्स भी बताऊंगा, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव कितना होता है, नेगेटिव कितना होता है, कौन सा कैसा होता है। नेक्स्ट किंग पिन इंक्लिनेशन, दैट इज KPI या SAI भी इसको बोलते हैं। द एंगल बिटवीन द लाइन ड्रॉन थ्रू द टॉप एंड बॉटम स्टीयरिंग एक्सिस पॉइंट्स कंपेयर टू द ट्रू वर्टिकल ऑफ द व्हील व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट। देखना ये भी कहां से देख रहे हैं हम, फ्रंट से वर्टिकल के रिस्पेक्ट में है। और ये एंगल क्या होता है, ये डायग्राम, जो व्हील नकल होता है उसमें दो जगह पर स्टीयरिंग एक्सिस, स्टीयरिंग पॉइंट्स होते हैं जिसके बीच में जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग एक्सिस। स्टीयरिंग एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में व्हील स्टीयर कर रहा है। जब आप गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हो तो व्हील ऐसा ऐसा घूमेगा, वो किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है वो होती है आपकी स्टीयरिंग एक्सिस। तो स्टीयरिंग एक्सिस और व्हील का जो वर्टिकल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है आपका किंग पिन इंक्लिनेशन। द एंगल बिटवीन द लाइन ड्रॉन थ्रू द टॉप एंड बॉटम स्टीयरिंग एक्सिस पॉइंट कंपेयर टू द टू वर्टिकल ऑफ द व्हीकल। इसको भी ऐसे ही समझते हैं, सामने से आप देख रहे हो, ठीक है, व्हेन व्यूइंग फ्रॉम द फ्रंट, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया व्यू फ्रॉम फ्रंट। ओके, अब आपका जो स्टीयरिंग का पॉइंट है, मान लो ये आपका नकल लगा है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ लगा है, एक पॉइंट यहाँ लगा है ना, ये यहाँ पे एक स्टीयर हो रहा है और एक यहाँ की जगह मेरी कोहनी के पास स्टीयर हो रहा है। तो ये जो एक लाइन यहाँ से जा रही है और एक लाइन वर्टिकल से जा रही है, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है ना, ये होता है अपना किंग पिन इंक्लिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में डोंट वरी मैं बताऊंगा यहाँ पे ड्रॉ करके, अभी अगर इससे भी समझ नहीं आ रहा है तो, द एंगल बिटवीन द लाइन ड्रॉन थ्रू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्टीयरिंग एक्सिस पॉइंट्स जो कि स्टीयरिंग एक्सिस होती है एंड वर्टिकल ऑफ द व्हील। नेक्स्ट स्क्रब रेडियस, टू इमेजिनरी लाइंस आर ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द स्टीयरिंग एक्सिस पॉइंट्स, मतलब KPI, अल्टीमेटली जो इतनी लाइन है ये कुछ नहीं है, KPI खुद है, ठीक है। टू इमेजिनरी लाइंस दैट आर ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द स्टीयरिंग एक्सिस पॉइंट, मतलब एक स्टीयरिंग एक्सिस पॉइंट है, एंड थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, द पॉइंट एट विच द लाइंस इंटरसेक्ट क्रिएट्स द पिवट पॉइंट फॉर द टायर डिस्क्राइब्ड एज स्क्रब रेडियस। ये वाला डायग्राम, एक आपका व्हील है, ठीक है, ये आपका KPI है, स्टीयरिंग एक्सिस जहां जा रहा है और व्हील का जो वर्टिकल जा रहा है, ये दोनों जहां जाकर इंटरसेक्ट करेंगे उस डिस्टेंस को आप बोलते हो स्क्रब रेडियस। अगर वो ग्राउंड के नीचे जाके कर रहा है तो पॉजिटिव, ग्राउंड के ऊपर कर रहा है नेगेटिव, आगे बताऊंगा अच्छे से। अभी ये देखो, ये है, इसमें से एक लाइन यहां जा रही है, ठीक है, वर्टिकल, और एक आपका जा रहा है KPI, है ना, सेंटर ऑफ द टू
पॉइंट्स ऑफ स्टेरिंग एक्सिस, ये दोनों लाइन जहां जाकर इंटरसेक्ट करेगी ना वो पॉइंट आपका हो जाएगा स्क्रब रेडियस। अभी के लिए इतना ही, हमने बताया टो क्या होता है, कैस्टर क्या होता है, कैम्बर क्या होता है, केपीआई क्या होता है, स्क्रब रेडियस क्या होता है। प्रॉबेबली एक बेसिक आइडिया आपको इस चीज का लग गया होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और मैं उन वीडियोस में इंडिविजुअली एक एक एंगल को बताऊंगा, उनके इफेक्ट्स ड्राइविंग डायनेमिक्स पे आते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कुछ आज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन, आप अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट कराने जाते हैं तो वहाँ पर आपने कभी देखा है कि कौन से एंगल्स वहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई देते हैं? आपको अगर उसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन कौन से एंगल्स वहाँ पर होते हैं और कौन कौन से एंगल एडजस्ट होते हैं। आने वाली वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।